आज की वीडियो सभी के लिए है, सभी के लिए मतलब जिनके यहाँ हार्ड वाटर आता है उनके लिए भी आज की रेमेडी है। जो अपने बालों में भारीपन चाहते हैं, जो अपनी रुकी हुई हेयर ग्रोथ को शुरू करना चाहते हैं, जो अपने डैंड्रफ को हटाना चाहते हैं, जो अपनी स्कैल्प को हेल्दी बनाना चाहते हैं, जो अपनी स्कैल्प की इचीनेस को, फंगल इन्फेक्शन को या फिर अपनी स्कैल्प को हेल्दी बनाना चाहते हैं ना, तो आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। कोई एज लिमिट नहीं है, हर कोई आज की रेमेडी को लगा सकता है। जो लड़कियां बार बार मुझे कमेंट्स करके बोल रही थी कि हमारे यहाँ हार्ड वाटर आता है, पता है आपको, हार्ड वाटर आपके बालों को सीधा जड़ से निकालता है और अपने साथ लेके चला जाता है। वो आपकी स्किन के लिए हार्मफुल हो या ना हो, लेकिन आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। जिनके यहाँ हार्ड वाटर आता है ना, चाहे वो कितना भी महंगा शैम्पू ऑयल खरीद के लगा लें, कितने भी अच्छे रेमेडी लगा लें, लेकिन वो असर उनको नहीं मिल पाता है। तो आप कैसे इस हार्ड वाटर से अपने बालों को बचा सकते हैं, या फिर कैसे आप अपनी हेयर ग्रोथ को शुरू कर सकते हैं, या फिर कैसे आप अपने डैंड्रफ को भगा सकते हैं, यही आज की वीडियो में है। वीडियो एंड तक देखना है, पक्का देखना है। पसंद आती है वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो चलिए फिर आज की मैजिकल रेमेडी हार्ड वाटर से अपने बालों को बचाने के लिए, या फिर अपनी रुकी हुई हेयर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, अपनी स्कैल्प को ट्रीट करने के लिए, डैंड्रफ को भगाने के लिए, आपको लेना है एक जार। आप बोलेंगे ये क्या काम करेगा, क्योंकि हम इसके अंदर बनाएंगे रेमेडी। तो पहला इंग्रेडिएंट्स जो आपकी हेल्प करेगा, आपके बालों को चमकदार बनाएगा, मुलायम बनाएगा, घना बनाएगा, आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा और हार्ड वाटर से आपके बालों की कवच की तरह रक्षा करेगा। मतलब ये एक आपके बालों पे लेयर सी बना देगा, जिससे जो पानी का साइड इफेक्ट होता है ना, वो इफेक्ट आपके बालों पे नहीं पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिया है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे लेमन जूस का भी यूज कर सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर आपको एक कप के करीब लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक कप के करीब एप्पल साइडर विनेगर, क्योंकि एंटीबैक्टीरियल होता है और स्पेशली ये आपकी स्कैल्प के पीएच लेवल को मेंटेन करने में आपकी हेल्प करता है। जब हमारा पीएच लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, हमें पता नहीं चलता है, स्किन पे इरिटेशन हो जाती है स्कैल्प के ऊपर और बहुत सारे बैक्टीरिया पनपते हैं, टॉक्सिन आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल झड़ते हैं, हमारे बाल रफ, डैमेज, बेजान, रूखे सूखे हो जाते हैं। तो मैंने बताया एप्पल साइडर विनेगर नहीं है, तो बिना झिझक के आप यहाँ पे लेमन का यूज कर सकते हैं। एक कप लेना है। फिर आपको लेना है एक कप के करीब, ये है मेरा फेवरेट नारियल पानी। जी हाँ, जो ग्रीन नारियल होता है ना, उसको फोड़ के जो उसके अंदर का नारियल पानी निकलता है वो लिया है। इसके अंदर प्रचुर मात्रा में न्यूट्रिशंस होते हैं जो आपके बालों पे मैजिक करेंगे। तो ये पानी बहुत अच्छा हो सकता है आपके बालों के लिए। आप इसकी जो अंदर वाली क्रीम होती है ना, उसको भी अपने बालों पे लगा सकते हैं। ये पानी, ये रेमेडी एक बार प्लीज मेरे कहने पे, चाहे आपके यहाँ हार्ड वाटर आता है नहीं आता है कोई मैटर नहीं करता है, एक बार आप इस रेमेडी को जरूर यूज करके देखिएगा। बहुत अमेजिंग रेमेडी है। तो दोनों इन्ग्रीडियंट्स हमने लिए हैं। फिर आपको इसके अंदर डाल देना है एक ही कप फिल्टर पानी। तो तीनों इन्ग्रीडियंट्स आपको सेम इक्वल क्वांटिटी में लेने हैं और ये बन के तैयार हो गया है आपका रिंज वाटर। और रिंज वाटर ही बड़े काम का होता है जहां पे स्पेशली हार्ड वाटर आता है, उनके लिए ये रेमेडी बड़े कमाल की है। हर किसी के लिए ये रेमेडी बड़े कमाल की है। इसे आपको एक बार जरूर यूज करना चाहिए और ये रेमेडी इतना अच्छा इफेक्ट डालेगी सिर्फ रिंज वाटर की तरह जब आप यूज करेंगे ना, तो आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी वाकई में, क्योंकि मैं इसको ट्राई कर चुकी हूँ और इसीलिए मैं आप लोगों को इतने दावे के साथ बोल रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी पता ही होगा, मैं बार बार जिक्र कर दूं कि मेरे यहाँ पे भी हार्ड वाटर आता है। तो कैसे मैं अपने बालों को मेंटेन करती हूँ, इस रेमेडी के द्वारा मैं अपने बालों को मेंटेन रखती हूँ। तो आपको ये कैसे यूज करना है, आपको शैम्पू कर लेना है पहले तो अपने बालों में, उसके बाद आपको ये रिंज वाटर अपने बालों पे लगा लेना है। 15 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है और फिर सिंपल पानी के साथ आपको ये वॉश कर देना है, स्कैल्प पे नहीं रखना है। ये है आपका फर्स्ट ट्रिक। सेकेंड ट्रिक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो भी पानी यूज करते हैं अपने हेयर वॉश के लिए, आप एक टब भर के यूज करते हैं, आप एक बकेट भर के यूज करते हैं, आपको क्या करना है, आपको एप्पल साइडर विनेगर, जैसे अगर आप एक बकेट ले रहे हैं फुल पानी की भर के, तो आप उसके अंदर चार बड़े चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डाल देंगे।
हाँ, और उसी पानी के साथ आपको अपने हेयर वॉश करने हैं, उसी पानी के साथ आपको बाद में सिंपल पानी भी अपने बालों पे नहीं डालना है, लेकिन आपको एप्पल साइडर विनेगर सिर्फ 4 चम्मच डालने हैं एक बकेट के अंदर, और उसी के साथ आप अपने हेयर वॉश करेंगे। आप देख सकते हैं इस टब की हालत क्या हो रखी है, चाहे मैं इसको कितना भी साफ करूं, क्योंकि मेरे यहाँ पे हार्ड वाटर आता है और ये निशानी है हार्ड वाटर की। देखो कैसे कैल्शियम होता है ना, वो ये चिपका पड़ा है यहाँ पे, ये देखिए। तो अगर आपके यहाँ पे भी ऐसी ही सिचुएशन है तो आप ये रिंज वाटर यूज करेंगे, और जो पानी आप यूज कर रहे हैं हेयर वॉश के लिए उसी पानी के अंदर आपको 4 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर की डालना है। अगर आपके यहाँ हार्ड वाटर भी नहीं आता है ना, तो भी आप ये वाली ट्रिक अपना सकते हैं, आपकी रुकी हुई हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। और आप मेरे टैप के ऊपर भी देख सकते हैं कि कितना कैल्शियम जमा हुआ है, ये देखिए। ये होते हैं हार्ड वाटर के लक्षण। अगर आपके यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है तो प्लीज अभी के अभी संभल जाइएगा, क्योंकि ये आपको गंजा भी कर सकता है। तो इसीलिए कदम उठाने जरूरी हैं। जो रेमेडी मैंने बताई है वो ट्राई करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कब कब यूज करेंगे? जब जब आप शैम्पू करेंगे, आप हेयर वॉश करते हैं, तब तब आप इस रेमेडी का यूज अपने बालों पे डेफिनेटली करेंगे। और हाँ, आप अगर आपके यहाँ हार्ड वाटर आता है तो आप एप्पल साइडर विनेगर की 4 चम्मच जैसे मैंने बताया उस पानी के अंदर डालेंगे जिस पानी के साथ आप अपने हेयर वॉश करने जा रहे हैं। ये जो ट्रिक है सिर्फ वही लड़कियां करेंगी जिनके यहाँ हार्ड वाटर आता है। अदरवाइज जो सिर्फ अपने बालों में भारीपन चाहते हैं, अपनी स्कैल्प से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जैसे मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस की उनको हटाना चाहते हैं, तो आप सिर्फ रिंज वाटर का ही यूज करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम है, आपके बाल ड्राई हैं, बेरुखे हैं, बेजान हैं, आपको उनमें शाइन चाहिए, आपको उनमें चमक चाहिए, आपको अपनी हेयर ग्रोथ प्रमोट करनी है, तो आज की ये सिंपल सी रेमेडी आपको बहुत सारा बेनिफिट देगी, 100% देगी। प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आज की रेमेडी को जरूर ट्राई कीजिए। ऐसे ही बोलने मात्र से नहीं बोल रही हूँ मैं, ये जांची परखी हुई रेमेडी है। मेरे यहाँ पे भी हार्ड वाटर आता है, मैं मानती हूँ कि मैं वो जो बोतल में पानी आता है उसके साथ अपने हेयर वॉश करती हूँ, लेकिन मैं कभी कभी इस रेमेडी को भी जरूर ट्राई करती हूँ जब मुझे बोतल नहीं मिल पाती, क्योंकि ऐसा भी बहुत बार होता है कि मुझे पानी की बोतल नहीं मिल पाती और वो खत्म हो जाती है, तो मैं इसी रेमेडी का सहारा लेती हूँ। और आप यकीन नहीं करेंगे कि इस रेमेडी को लगाने के बाद आपका एक भी हेयर फॉल नहीं होगा, वाकई में नहीं होगा। तो इसी बात पे रेमेडी लगानी बनती है, ये रेमेडी शेयर करनी भी बनती है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ये था आज का छोटा सा प्यारा सा वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ एक प्यारी अच्छी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें, बाय बाय।